दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी तरह रोजगार का जो मुद्दा है वो बिहार की असेंबली इलेक्शन में मुख्य मुद्दा के रूप में अब कम से कम बिहार का पिंड छोड़ दे, इस इलेक्शन का पिंड छोड़ दे। लेकिन रोजगार का मुद्दा है कि वो पिंड छोड़ ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि रोजगार का मुद्दा इस इलेक्शन में एक ऐसे एजेंडे के रूप में सेट हो गया है जिसको डिस्टेबलाइज करना, डिरेल करना या उसको गिरा देना किसी भी और सियासतदान के लिए, किसी भी और राजनीतिक पार्टी के लिए लगभग अब तक नामुमकिन सा दिख रहा है। तीसरे चरण तक क्या होगा ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता और मैं भविष्यवाणियों में यकीन नहीं करता। लेकिन दोस्तों, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी मैंने बिहार में तकरीबन एक दर्जन से अधिक जगहों पर लोगों से बात की और अभी भी रोजगार का मुद्दा केंद्रीय चुनाव का मुद्दा बना हुआ है, इस इलेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। जबकि इस दौरान अगर आप देखें तो जंगल राज का सवाल उठाया गया, इसके जरिए अगड़ा पिछड़ा करने की कोशिश की गई ताकि थोड़ा सा विभाजन हो जाए। ठीक है, अगड़ा पिछड़ा तो मैं मानता हूं, बिहार में यह चलता है चाहे जब भी इलेक्शंस हों। पता नहीं अगले कुछ दशकों में क्या होगा, लेकिन आज की तारीख में अगड़ा पिछड़ा बिहार में चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रोजगार के मुद्दे से केवल पिछड़ा या दलित या मध्यमार्गी मध्यवर्गीय केवल वही प्रभावित हैं, अगड़े समाज के भी लोग आखिर उनमें भी मध्यवर्गीय हैं, उनमें भी निम्न वर्गीय लोग हैं, उसमें भी गरीब और बेहाल लोग हैं, तो सबके लिए मुद्दा बना हुआ है। और मैं समझता हूं कि इस इलेक्शन की दशकों की बात मैं कर रहा हूं, दशकों की बात, लगभग 20-30 साल से मैं देख रहा हूं बिहार के इलेक्शंस में कभी भी इस तरह का मुद्दा जो ठोस सामाजिक आर्थिक मुद्दा हो, जो सभी वर्ग सभी जाति के लिए कॉमन हो, ऐसा मुद्दा अभी तक मैंने बनता नहीं देखा। तो इस इलेक्शन का ये एक बहुत महत्वपूर्ण चरित्र है जिसको बदलने की लगातार, अब देखिए 370 का मुद्दा बिहार में उठाया गया, 370 कश्मीर का, 370 पर पार्लियामेंट में उतनी बहस नहीं हो पा रही है, यहां सेमिनार सिंपोजियम नहीं हो पा रहे हैं, जो कोई बोलता भी है तो उसको कहा जाता है कि एंटी नेशनल हो गए हैं, कश्मीर में उस पर बात नहीं हो रही है, लेकिन बिहार के इलेक्शन में कश्मीर का मुद्दा, 370 का मुद्दा, न जाने क्या क्या उठाने की कोशिश की गई, हो सकता है पुलवामा भी उठा दिया जाए, हो सकता है पता नहीं क्या क्या उठा दिया जाए, लेकिन रोजगार का मुद्दा नहीं रास्ता छोड़ रहा है, पिंड नहीं छोड़ रहा है इस चुनाव का। ये इस चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस चुनाव में जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसका बिखराव खत्म नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है, अगर आप देखें तो शायद इस तरह का बिखराव पहले कम देखा गया। और दोस्तों, अगर दूसरे चरण के मतदान की बात आप देखें तो ये 17 जिलों में हो रहा है, 3 तारीख को होना है और 94 सीटें हैं, 94 सीट्स हैं। पिछले इलेक्शन में 70 सीटें जेडीयू और आरजेडी गठबंधन को मिली थी, पिछली बार आरजेडी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी गठबंधन में थे, बहुत बुरी तरह वो हारे थे। सोचिए 94 सीटों में 70 सीटें आई थी मिथिलांचल और उत्तर बिहार के इस पूरे समूचे इलाके में, इस बार 3 तारीख को वहां चुनाव है, जेडीयू बीजेपी के साथ है, एलजेपी अलग चुनाव लड़ रही है और आरजेडी कांग्रेस का जो गठबंधन है वो तो है ही है पहले की तरह, उसमें सीपीआईएमएल सीपीआई सीपीआईएम भी जुड़ गए हैं। तो ये जो सेकंड फेज का इलेक्शन है, इस पूरे बिहार के तीनों चरणों के चुनाव में सर्वाधिक सीटों का चुनाव यही हो रहा है। और सच पूछिए तो पहले चरण में जितने पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं, जितने इलेक्शंस के ऑब्जर्वर हैं, ये मानकर चल रहे हैं कि पहले चरण में महागठबंधन आगे बढ़ गया
तो अगर महागठबंधन पहले चरण में आगे बढ़ गया तो सेकंड फेज में अगर जेडीयू बीजेपी अलायंस जो सत्तारूढ़ अलायंस है अगर वो वाकई आरजेडी गठबंधन को शिकस्त नहीं देता और अच्छी शिकस्त नहीं देता तो बहुत मुश्किल है इस चुनाव को बचाना सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए। और यही कारण है कि तमाम तरह की कोशिशें हो रही हैं ताकि रोजगार का इश्यू छूट जाए पीछे। लेकिन मैं आपको बताऊं ये क्यों नहीं छूट रहा है। ये केवल रोजगार का इश्यू नहीं है दोस्तों, इसमें जुड़ी हुई है कोरोना महामारी से तबाही की बात भी। और गांवों में कस्बों में छोटे मझोले इलाकों में जहां भी जेडीयू के बारे में कहा जाता रहा है कि ईबीसी यानी एक्सट्रीम बैकवर्ड कम्युनिटी और महादलित यानी गैर पासवान दलित समाज इसमें उसका जनाधार रहा है, लेकिन इस बार जो लोग गांव में रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं उनको महसूस पहली दफा हो रहा है कि महागठबंधन के लोग आए गांव में या न आए लेकिन वहां के लोग पहले से मन बना चुके हैं काफी बड़ा हिस्सा कि इस बार पहले की तरह वो नहीं जाएंगे, इस बार एक नए गठबंधन को वोट देंगे। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि यही लोग हैं जिनके नौजवान जिनके घरों के युवक दूर दराज के इलाकों में नौकरी करते थे चाहे वो पंजाब हो चाहे गुजरात हो चाहे महाराष्ट्र हो और वहां से जिस तरह उनको लौटना पड़ा बिहार और उस वापसी के दरमियान जो जो उनको झेलना पड़ा वो पूरे परिवार के लिए दुःस्वप्न बनकर लगातार मंडरा रहा है। और दोस्तों जहां भी लोग जा रहे हैं लोग याद कर रहे हैं कि वो बेरोजगार तो हो ही गए, ठीक है कुछ एक लोग लौटे भी हैं कुछ लोगों की वापसी हुई है रोजगार में, लेकिन ज्यादातर लोग गांव में हैं, ज्यादातर लोग अभी रोजगार नहीं पा सके हैं और उनके लिए रोजगार का मुद्दा तो महत्वपूर्ण ही है, साथ ही साथ सत्ताधारी गठबंधन केंद्र का और राज्य का दोनों ने जिस अमानवीय यंत्रणा का उनको शिकार बनाया, जिस तरह उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरह दुराचार हुआ, जिस तरह उनके साथ जानवरों से भी गया गुजरा बर्ताव किया गया, दुनिया के किसी भी मुल्क में वहां के लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया गया हो कि कोरोना महामारी से निपटने के नाम पर ऑल ऑफ सडन लॉकडाउन कर दिया गया और मजदूर और गरीब तबके के लोगों को उनके घर सकुशल सुरक्षित वापसी का कोई रास्ता नहीं बनाया गया, कोई तरीका नहीं खोजा गया। ये जो चीजें हैं ये नेताओं को नहीं मालूम थी, लेकिन इस चुनाव में वो आम लोग जो हैं ये इस तरह के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और यही कारण है कि मायावती जी जो भारतीय जनता पार्टी के आजकल काफी करीब होती जा रही हैं, उनका एक अलग गठबंधन चुनाव लड़ रहा है जिसमें कि 90 सीटों पर वो संभवतः लड़ रही हैं और आरएलएसपी और अन्य जो उनके गठबंधन सहयोगी हैं 153 के आसपास सीटों पर लड़ रहे हैं। इसमें इनका अनुमान था, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का अनुमान था कि मायावती जी का जो गठबंधन है वो दलित जो लोग हैं खासकर जो गैर पासवान दलित हैं उनके काफी वोट काट करके और महागठबंधन को कमजोर करेंगे, लेकिन हो रहा है उल्टा। दरअसल ये जो महागठबंधन ये जो गठबंधन है आरएलएसपी और बीएसपी का ये भारतीय जनता पार्टी जेडीयू गठबंधन को भी नुकसान पहुंचा रहा है और इस नुकसान को अगर देखा जाए तो शायद महागठबंधन के नुकसान के मुकाबले ज्यादा नुकसान जो है बीजेपी गठबंधन को पहुंचा रहा है। तो मुझे लगता है कि एलजेपी और मायावती जी इन दोनों का अलग अलग चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए एक चुनावी स्ट्रेटजी जरूर थी कि जब कमी पड़ेगी इनके सहयोग से हम सरकार बना लेंगे बशर्ते कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाए, लेकिन क्या ये स्थिति बनेगी ये असल चुनाव का परीक्षा दरअसल चुनाव का जो असल नतीजा होगा यहीं से समझ में आएगा कि कौन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या सिंगल लार्जेस्ट गठबंधन के रूप में इमर्ज करता है। बहुमत आ जाता है किसी को तब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर बहुमत का अंक बहुमत का आंकड़ा कोई एक गठबंधन या एक पार्टी नहीं हासिल करती उस स्थिति में लोग इस तरह की छोटी छोटी पार्टियों छोटे मझोले गठबंधनों की तरफ नजर डालेंगे और उसमें देखना यह होगा कि कौन किसको काटता है किसकी सीटें कितनी कम होती हैं। आज की तारीख में पोलराइजेशन क्लियर है दो तरफ महागठबंधन और बीजेपी जेडीयू गठबंधन, ये असल में मुद्दा जो है इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रोजगार के साथ बहुत सारे मुद्दे नत्थी हो गए हैं और उन नत्थी मुद्दों से सत्ताधारी गठबंधन का वाकई
उसकी परेशानी बढ़ गई है, उसका सिर दर्द बढ़ गया है, और यही कारण है कि जंगल राज से लेकर और तमाम तरह के इश्यूज उठाने की कोशिश हो रही है, लेकिन रोजगार का इशू पिंड नहीं छोड़ रहा है। इतना ही इस बार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.